अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में इसका आस्तीन लगाना बताएंगे, क्योंकि इस कोट का पूरा बॉडी बनाना इससे पहले की वीडियो में दिखाए थे आपको, और इसका आस्तीन बना के और इसको आस्तीन कैसे लगाएंगे पूरा कंप्लीट आज की वीडियो में दिखाएंगे। तो हम पहले इसको, इसमें तो मार्जिन नहीं रखे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मार्जिन दिए हैं, उस हिसाब से हम इसको सिलाई मार लेंगे। सेम इसी तरह हम इसको अस्तर में भी सिलाई मारेंगे, और ये पल्ला को देख लेंगे कि जैसे पैंट का पल्ला मिलाते हैं ना, उस तरह मिलाएंगे कि कहीं पे भी क्रॉस ना हो। तो ये हमारा आस्तीन तैयार हो गई है। मैं अस्तर पहले से बना रखा हूँ, लेकिन सेम इसी तरह आपको जैसे मेन पल्ला मैंने बनाया है, उस तरह आपको अस्तर भी बना लेना है। और ये देखिए, दोनों का जॉइंट एक जैसा मिला लेंगे। जैसे साइड में पीछे का हिस्सा रहेगा, तो अस्तर भी पीछे पीछे का हिस्सा रहेगा, उस हिसाब से हम इसको सिलाई मारेंगे, ताकि पलटी होकर जो भी जितना भी जॉइंट है वो अंदर रहेगी। और फिर इसमें हम डबल टेप लगा लेंगे, लेकिन हम डबल टेप इसको पहले प्रेस मार के फोल्ड कर लेंगे, तब इसके बाद इसमें डबल टेप लगाएंगे, ताकि मोहरी का गोलाई में अच्छा बैठा रहे कपड़ा। बाद में क्या होती है कि अस्तर नीचे लटक जाती है, तो उससे क्या है, अस्तर नहीं लटकेगी, डबल टेप चिपका लेंगे। तो अभी इसको हम पलटी कर लेंगे। तो पहले प्रेस मार के इसको साफ कर लेते हैं। इसको नीचे का हिस्सा को चिरवा कर लेंगे। अस्तर से हम इसको पलटी करेंगे। हम पहले जो मेन पल्ला में जो फोल्ड किए थे, वो फोल्ड के हिसाब से पहले इसको आयरन मार के एक निशान हो जाएगी। तो अब हम इसको अस्तर को थोड़ा थोड़ा नीचे करेंगे। यानी 3 सूत कम रहेगी अस्तर। अच्छा से बैठा लेंगे, ठीक है। अब अस्तर पे आयरन मार लेंगे। अब इसको पलटी करके सीधा करके आयरन मार लेंगे। ये जॉइंट के बीचे बीच में हम बैठाएंगे, और वो साइड में क्रीच नहीं लगाना है, जहाँ सामने आस्तीन का ऑपोजिट सामने रहेगी, वहाँ पे क्रीच नहीं रहेगी, बस ये थोड़ा दूर तक क्रीच रहेगी। यहाँ पे भी हम अच्छा से प्रेस मार लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको आस्तीन लगाएंगे, थोड़ा सा जो रिंकल है वो ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ से 1 इंच में 1 पॉइंट कम, इस तरह बैठा लेंगे इसको।
अब इतना दूर यहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम 3.5 इंच रिंकल देंगे। अब एक बार इसको हम पलट कर देखेंगे कि हमारा आस्तीन ठीक बैठा है या नहीं। ये देखिए स्ट्रेट गिरा आस्तीन। तो इस तरह आस्तीन बैठना चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह आस्तीन लगाने के बाद बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट गिरना चाहिए। ये देखिए पैकेट के हाफ तक स्ट्रेट गिर रही है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट गिर रही है। ऐसा दिखेगा, कहीं पे रिंकल नहीं आना चाहिए। और फिर ये प्रेस लगने के बाद ये बैठ जाएगी। अब इसमें पैड लगेगी तो जितना भी रिंकल है ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर का रिंकल ख़त्म। पहले यहाँ ये जॉइंट नाप लेंगे, यहाँ से 4.25 है तो 4.25 इधर मार्क लगा लेंगे। और यहाँ का ज्वाइंट इस तरह नाप करके इधर मार्क लगा लेंगे। सेम उसी तरह हम इसको हाथ से कच्चा कर लेंगे। बाद में आगे का जब मशीन पे बैठेंगे तो ये वाली सिलाई मारेंगे और इसको अटैच कर लेंगे। ये वाली सिलाई मार के इसको अटैच कर लेंगे, फिर उसके बाद इसका पक्का सिलाई मारेंगे, पैड लगाएंगे। ये देखिए दूसरा तरफ पर अभी आस्तीन इस तरह गिरी है स्ट्रेट, जो मैंने मार्क लगाया है ये जॉइंट मार्क के हिसाब से रखा। फिर यहाँ पे जो मार्क लगाया है जॉइंट यहीं पर आई है। तो ऐसे क्या दोनों आस्तीन एक जैसा गिरेगी, एक जैसा दिखेगी। यहाँ पे पैड लग जाएगी, इस तरह दिखेगी। क्या करेंगे, इससे पहले बटन लगाए हुए थे तो बटन सही जगह पे नहीं था, इसकी वजह से मैं खोल दिया हूँ। मैं फिर से बटन लगा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हाथ से इसका टाँका मार देंगे। अब चाहे तो यहाँ पे सिलाई भी मार सकते हैं, क्योंकि ये अंदर रहेगी दिखेगी नहीं, लेकिन हम इसको हाथ से टाँका मार।
इसी तरह आपको पूरे में मार लेना है सिलाई, ताकि ये जो पल्ला है बाहर फेंके ना, और फिर एक यहाँ से यहाँ अंदर से यहाँ तक टाँका मार लीजिए। अगर टाँका नहीं मारते तो यहाँ पे डबल टेप चिपका के इसको अच्छा से आयरन मार लीजिए, ताकि आपने सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो शोल्डर का बकरम है इसको अटैच कर लेंगे सिलाई मार के। तो आधा दाब का सिलाई मारेंगे जिससे अटैच हो जाएगी और शोल्डर चिरबा का चिरबा रहेगी। देख लेंगे कि हमारा ये शोल्डर बकरम कहीं पे खींच तो नहीं रहा है। फिर इसके बाद हम पलटी करेंगे और आर्मोल में पक्का सिलाई मारेंगे। जहाँ तक वाइट धागा से हमने कच्चा किया था सेम उसी पे मारेंगे सिलाई, और रिंकल को साफ करते हुए सिलाई मारते रहेंगे। मैं तेज़ी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये काफ़ी टाइम लगती है कोट बनाने में, इसके वजह से तेज़ी बना। अब इसको पलट करके देख लेंगे, यहाँ शोल्डर पे एक चटका मार देंगे जिससे अच्छा बैठे। ठीक है, तो पलट करके ये कहीं पे रिंकल नहीं दिख रही है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले ये जो कच्चा धागा है इसको निकाल देंगे, एक भी नहीं रहे कच्चा धागा, बिल्कुल साफ हो जाए। अब पैड को बीचे बीच ले लेंगे, इस तरह फोल्ड कर लेंगे, बीच सेंटर में पकड़ लेंगे और ये जॉइंट के पास बीच सेंटर रखेंगे। और पूरा पैड पे सिलाई नहीं मारना है, बस यहीं तक सिलाई मारना है। पूरा मारने से क्या है, सामना खींच लेती है, इसलिए दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे। और सिलाई के ऊपर ही सिलाई इसको मारना है। बस थोड़ा ही दूर तक रखेंगे, बाकी छोड़। एक बार पलट करके हम इसको देख लेंगे। ये देखिए जो रिंकल था वो ख़त्म हो गई, अब बिल्कुल गोल बैठी है एकदम, बिना आयरन मारे हुए दिख रही है कि आयरन मारा हुआ है। तो बनने के बाद कुछ इस तरह दिखती है। तो हम क्या करेंगे, पहले अस्तर का ये जो जॉइंट पकड़ लेंगे जहाँ से हमने 1 इंच इधर छोड़े थे, तो आस्तीन का भी जॉइंट हम देख लेंगे कि सही है या नहीं, खींच करके देख लेंगे। अभी अस्तर और आस्तीन, बैक पल्ला लेंगे, बैक पल्ला से इसको अस्तर में भी सिलाई मार लेंगे। बहुत से लोग अस्तर में हाथ से सिलाई मारते हैं, लेकिन हम हाथ से नहीं मारेंगे, इस तरह पकड़ लेंगे, इसको पलटी कर लेंगे। अब इसको सिलाई सेम मेन पल्ला में जैसे मारे थे उस तरह हम इसको मारेंगे सिलाई, और थोड़ा थोड़ा रिंकल देंगे आर्मोल में, यानी आस्तीन में रिंकल रहेगी, आर्मोल में नहीं रहेगी। अब देख लेंगे, कभी कभी क्या होती है अस्तर में सिलाई मारने के बाद क्या एक साइड से खींच लेती है अस्तर, तो चेक कर लेंगे कि हमारा अस्तर टाइट तो नहीं पड़ गई है। तो अभी क्या करेंगे, थोड़ा दूर अच्छा चारों तरफ से अच्छा से बैठा लेंगे आर्मोल के कम 6 इंच हाथ से इसको अटैच करेंगे, यानी तुरपाई करके इसको अटैच कर लेंगे, ताकि अस्तर है ना पहनने के बाद
भी सेंटर में रहे, इधर ना उधर जाए। सिलाई इस तरह मारेंगे कि ये सिलाई जो हाथ का है ऊपर ना दिखे। देख लेंगे एक बार प्लेट करके। अब ये पैड को अटैच करेंगे, यहाँ पे एक टाँका मारेंगे ताकि बाहर से टाँका ना दिखे, अंदर ही रहे टाँका, और ये पैड अटैच हो जाए ताकि पैड भी इधर उधर ना खसके। तो ये हमारा वीडियो आज का पूरा कंप्लीट हो गया। अब रह गया इसका फुल बनाना, वॉलेट पैकेट का फुल बनाना। फुल बन गया, बाकी काजगुंडी हो जाएगी, हमारा कोड कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कोई भी सवाल है कमेंट करें।